सर आप हमारे साथ ऐसा कर कैसे सकते हैं सर? अचानक से एक आदमी हमारे थाने में आता है, खुद को उस थाने का SHO बताता है, अपना ट्रांसफर लेटर हमारे हाथ में थमाता है और तब जाकर हमें पता चलता है कि अब हमारा महिला पुलिस थाना हमारा रहा ही नहीं। सर डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्म किए बिना ये डिसीजन ले कैसे सकता है? मतलब आपको ऑर्डर्स नहीं मिले? बिल्कुल नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, आइए आइए। जैन जैन सर, मुझे तो ट्रांसफर ऑर्डर्स टाइम पे मिल गए थे ना, तो मुझे तो आना ही था। अब अगर पहले ही वहां पे कोई महिला थाना खुला है तो उसे तो बंद करना पड़ेगा ना सर, नहीं तो नया थाना कैसे खुलेगा वहां? वही तो सर, वही हम भी कह रहे हैं, जब पहले से वहां पे थाना है तो कोई और थाने की काहे जरूरत है? नहीं, हम अच्छे से उस एरिया को संभाल रहे हैं सर। क्या बताएं करिश्मा सिंह जी, आपको पता नहीं है कि हमारा डिपार्टमेंट बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। अब हमारा डिपार्टमेंट कहें तो हम सबका डिपार्टमेंट है, तो हमारे डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया है, ये कि जितना भी हो सके खर्चों में कटौती करेंगे। आपके महिला पुलिस थाने में इनका एक सामान्य थाना खोला जाए। अब देखिए सुनिए, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि डिपार्टमेंट दो थानों के खर्च से बच जाएगी, है ना? और दूसरा फायदा हमारे लखनऊ शहर के स्त्री पुरुषों के लिए है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको एक ही थाने में महिला और पुरुष दोनों अपनी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझकर अवार्ड नाम का एक झुंझुना हमारे हाथ में पकड़ा दिया ताकि इन सारी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाए? अरे नहीं नहीं मिस मलिक, क्या बात कर रही है, आपने तो एक से एक शौर्य गाथा लिखी है, एक से एक धुरंधर अपराधियों को धूल चटाया है। आपको जेन्युइनली अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। सर वो महिला पुलिस थाना है, महिला हमारे थाने में आती है ये सोचकर कि उनकी प्रॉब्लम जो है वो सुनने के लिए महिला पुलिस अधिकारी अंदर होंगी। अब मर्द कैसे सुन लेंगे महिलाओं का समस्या, वो नहीं समझ पाएंगे ना जितना अच्छे से हम समझ पाते हैं उनको। माफ कीजिएगा सर, लेकिन महिलाओं की प्रॉब्लम सुनने और सुलझाने में हम पुरुष पुलिस अधिकारी भी उतने सक्षम और सेंसिटिव हैं जितनी की महिलाएं। सर एक बार चार्ज ले लेंगे तो शहर की सभी महिलाओं का भरोसा भी जीत लेंगे, और सर हमें नहीं लगता कि सिर्फ इस वजह से वहां महिला पुलिस थाना होना जरूरी है। सर ये गलत है सर, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर। नॉट फेयर इनके लिए नहीं सर, हमारे लिए है। मतलब हमें क्यों हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि हम पुरुष हैं? एक्सक्यूज मी, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप विक्टिम हैं। तो हमेशा औरतें विक्टिम हो ये भी तो जरूरी नहीं है ना। फील्ड में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे उनका क्या, नारी मुक्ति और औरतें ही सबसे आगे होनी चाहिए। तो आपने भी तो कहा था कि कितना यूनिक बंदा है, बच्चे भी संभालता है, गुंडों की धुनाई भी करता है, केक भी बनाता है, उसका क्या? वाह, हम सब जानते हैं। क्या बात? अरे आप लोग पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हो, तब तो सारा मसला ही खत्म हो गया। नहीं नहीं सर, मसला खत्म नहीं हुआ है, मसला जो है ना वो अभी शुरू हुआ है। एक बच्चे का डायपर बदलने से कोई मर्द औरत की जगह नहीं ले सकता है, महिला पुलिस थाने की जगह कोई और थाना नहीं ले सकता है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन अगर हम औरतों की जगह नहीं ले सकते तो विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, पूछिए इनसे क्या ये हमारी तरह मेल थाने में आने वाले हार्डकोर ब्रूटल क्रूशियल केसेस को हैंडल कर सकती हैं, पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना कर सकती हैं? हमने पेशेवर खतरनाक मुजरिमों का सामना किया है, बहुत अच्छे से किया है। हमने बहुत ही ब्रूटल और इनसेंसिटिव केसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से सुलझाया सर, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं सर। हमें नहीं लगता कि वहाँ पर किसी भी और थाने की जरूरत है, वहाँ महिला पुलिस थाना था और वही रहना चाहिए। वहाँ ऑलरेडी मेरा थाना खुल चुका है मैडम, वहाँ मेरा ही थाना रहेगा। आप कुछ कहेंगे? हाँ, हम बोल रहे हैं भाई, आप लोगों की समस्या का हल है हमारे पास, आप दोनों मिलके इस थाने को 3 महीना चलाएंगे। सर ये आप क्या मिस मलिक, पूछ नहीं रहे बता रहे हैं, अगर आप हमारी बात सुन लोगी तो आपके लिए ही अच्छा होगा। हम सब जानते हैं इन 3 महीनों में जो सबसे ज्यादा केस सॉल्व करेगा उसे इस थाने का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। आप दोनों मिलकर इस थाने की हर चीज शेयर करोगे, स्टाफ से लेकर SI करिश्मा सिंह तक। आज से इन्हें भी आप दोनों के ही ऑर्डर फॉलो करने होंगे और ये आप दोनों को रिपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं कौन साबित करता है खुद को इस थाने का असली हकदार।
क्या हुआ मैडम सर? कर लीजिए जितना टाइम वेस्ट करना है, थाना तो अब हमारा ही रहेगा क्योंकि अब तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। वो तो वक्त ही बताएगा। क्या है ना, आप जैसे मौसमी बुखार बहुत आए और गए, लेकिन ये महिला पुलिस थाना यही था और यही रहेगा, और यहाँ की मैडम सर हम ही रहेंगे। करेक्शन, सिर्फ मैडम रहेंगी क्योंकि सर तो अब आए हैं। जान सकते सर हम कहाँ जा रहे हैं? जरूर जान सकती हैं। अभी अभी वायरलेस से सूचना मिली है कि जनपद मार्केट में कोई लावारिस पैक पड़ा है जिसकी वजह से लोगों में दहशत फैल चुकी है। लोगों को लगता है उसमें बॉम्ब हो सकता है, वो कभी फट सकता है, बस वहीं जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? थोड़ा जल्दी चलाएंगे प्लीज? जी सर। क्या लगता है ऐसा ही करिश्मा सिंह, इस बैग में बॉम्ब है या नहीं? सर जब बात लोगों की जान की होती है तो हम इतने अटकलों में वक्त जाया करने में विश्वास नहीं रखते। हाँ, बॉम्ब स्क्वाड टीम, ऐसा है करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। घटनास्थल से कितनी देर में पहुंचे हैं आप? जी ओके, धन्यवाद, जल्दी आइए। और सर जहाँ तक बात है आपके सवाल की, तो हमें नहीं लगता इस बैग में बॉम्ब है। अब एक मिनट सर, ये फोन। हाँ संतू बोलो। करिश्मा मैडम, मैडम सर ने कहा है कि आप अभी के अभी गोमती नगर पहुंची, भानु गली मकान नंबर 313। मैं और मैडम सर रास्ते में ही पहुंचने वाले हैं, आप भी फटाफट आ जाइए। अच्छा एक मिनट रुको। सर हमें जाना होगा, मैडम सर को हमारा जरूरत है। करिश्मा सिंह, आपकी जरूरत कहाँ ज्यादा है ये मैं डिसाइड करूँ तो बेहतर होगा? आपके सीनियर सर, मैडम सर भी हमारी सीनियर ही है सर। आप ऑलरेडी एक सीनियर के साथ काम कर रही है ना, तो एक टाइम पे एक ही सीनियर का ऑर्डर फॉलो करेंगी ना? मना कर दीजिए करिश्मा सिंह, इट्स एन ऑर्डर प्लीज। जी सुनो, मैडम सर को कहिए कि हम नहीं आ सकते हैं अभी, हम यहाँ पे ऑलरेडी एक केस पे काम कर रहे हैं सर के साथ, तो हम अभी नहीं पहुँच पाएंगे। वो कह रही हैं कि वो अमर सर के साथ ऑलरेडी केस पे काम कर रही है, वो नहीं आ सकती है। क्या लव फोन दो। हेलो करिश्मा सिंह, बात समझिए, दोनों अभी भी घर का दरवाजा बंद करके अंदर से लड़ रही हैं। सिर्फ लड़ नहीं रही है मैडम, एक दूसरे के बाल पकड़ कर खींच कर पटक कर लड़ रही है वो। ऐसे ही वो इस केस की सीरियसनेस को समझेंगे, आप मेरी बात समझिए मैडम सर। करिश्मा सिंह देखिए, इस तरह का सिचुएशन सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं, इसलिए प्लीज आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। जी मैडम सर, एक सेकेंड। सर मामला बहुत पेचीदा हो गया, हमें जाना ही होगा। देवरानी जेठानी में झगड़ा हो गया है, दोनों एक कमरे में एक दूसरे को बंद करके कूट रही है, कोई एक दूसरे का जान ले लो, उससे पहले हमको पहुँचना होगा, समझिए सर। और यहाँ जहाँ किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, वहाँ का क्या एसआई महोदय? कितनी टेंशन है, अगर बैग में सच में बॉम्ब हुआ तो? किसी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? आप एक काम करिए, उनको मना कर दीजिए, और वैसे वो लोग सब कुछ संभाल लेंगे वहाँ पे, आपका यहाँ रहना जरूरी है। जी सर। मैडम सर, अमर सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा मामला गंभीर है, बॉम्ब हो सकता है बैग में, इसलिए हमें यहाँ रहना हमारा बहुत जरूरी है, हम वहाँ नहीं आ सकते मैडम। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप अमर विद्रोह से कहिए कि जैसे सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है आपको फ्री कर दें और आप तुरंत यहाँ आइए। जी जय हिंद। ओके जय हिंद। सर मैडम सर ने बोला कि जैसे ही यहाँ का सॉल्व हो जाएगा तो हमें वहाँ तुरंत पहुँचना होगा। देखते हैं, आप बैग पर आइए। आपने कहा था कि आपको नहीं लगता कि बैग में बॉम्ब है, क्यों, मतलब आपको क्यों नहीं लगता है सर? नहीं सर, आप देखिए ना, ये जो एरिया आप देखिए, गिन के चार दुकानें हैं, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता है, पूरे दिन में शायद दो ही लोग आते होंगे, तो कोई बैग ऐसी जगह कहाँ रखेगा? बैग ऐसी जगह होना चाहिए था जहाँ पे दुकानें ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, ताकि नुकसान ज्यादा हो, और बीचों बीच बैग रखने का क्या मतलब है? तो ये कुछ गड़बड़ है सर। ब्रिलियंट करिश्मा सिंह, आप तो बहुत ही होशियार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि आप अभी तक ऐसा ही क्यों हैं? मतलब एसएचओ बनने के सारे गुण हैं आप में, अभी तक तो डिपार्टमेंट को आपको एसएचओ बना देना चाहिए था। लेकिन डोंट वरी, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको ऐसे गुण सिखाऊंगा ना कि डिपार्टमेंट आकर खुद आपको प्रमोट करेगा। सर वो फिटिंग का प्रॉब्लम है हमारा, बचपन से ही सीखने में थोड़ा हम कमजोर रहे हैं। मैडम सर हमको जन्मों से अपने जज्बात सिखा रही हैं, वो नहीं सीख पाए तो फिर क्या ही सीखेंगे। अब आपकी ट्रेनिंग कुछ अलग हो, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जरा सा गौर से देखने पर कैसे कोई भी चीज अपनी कहानी खुद ब खुद कहती है।
एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम मैडम बोलिए ना, इनको दरवाजा खुलवाइए ना, वरना ये दोनों ना आपस में लड़के एक दूसरे की जान ले लेंगे। अरे तू क्या मुझे जिंदा मारेगी, उससे पहले मैं तुझे कच्चा ना चबा जाऊंगी। खुलवाइए ना मैडम। एक मिनट, आप कौन हैं? वो मेरी बहू है, मैं उनकी सास हूँ। मैंने आपको फोन किया था ना मैडम, खुलवाइए दरवाजा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, शांत हो जाइए, आइए। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, नहीं तो हम दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे। खोलिए, आज तो इसकी लाश ही बाहर आएगी। खोलिए दरवाजा, खोलिए। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं। तो क्या लड़ने दें इन्हें? नहीं नहीं, तोड़ दीजिए तोड़ दीजिए। ओके हटिए हटिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे देखते ही अंदाजा हो गया था कि इस बैग में बॉम्ब नहीं है। देखो अक्सर ऐसे केसेस में ना ऐसे वाले बैग यूज नहीं होते। बैग का कलर, डिजाइन और वो देख रही हैं? स्पाइडर बना है इस पे। ये किसी के डेली यूज करने वाला बैग है। अब जरा इस बैग की पोजीशन को ध्यान से देखिए। ये बैग एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है, वाटर बोतल उसके पास में रखी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बैग किसी लड़के का है जो बनना तो चाहता है बॉडी बिल्डर लेकिन असल में है सुमो पहलवान। छोड़ डाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोडूंगी, छोड़ मेरी बात। क्या कर रही है? अरे छोड़ेगी उस पहले मैं तुझे क्या चाहिए से मार जाऊंगी। छोड़ 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 छोड़। ये क्या है, ये कोई तरीका है क्या लड़ने का? आप लोग इंसान हैं या जानवर? बस कीजिए, अब किसी के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलेगी वरना हम दोनों को जेल में डाल देंगे। तमीज से बात कीजिए एक दूसरे से। अरे मैडम, इसने जानबूझ के सीढ़ियों पे ऑलिव ऑयल गिराया ताकि मैं गिर जाऊं और मेरे हाथ पैर टूट जाए और मैं अस्पताल में 3-4 महीने रहूं। तुझे भेजना होता ना तो मैं सीधा शमशान भेजती, हॉस्पिटल से मेरा पेट नहीं भरता। दोनों के मुंह से अब एक आवाज नहीं निकलेगी। आप इन दोनों को शाम को थाने लेकर आइए, शांति से बैठकर इन दोनों से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या मजरा है, ठीक है? चलिए। हाँ चलिए। संतोष शर्मा आप चलिए। दिक्कत क्या है? अरे क्या बताएं क्या दिक्कत है, संतोष जी को 4 बार फोन किए, फोन नहीं उठा रही है, मैसेज नहीं टाइप कर पा रहा, हाथ दुख रहा है, उनको बोलेंगे बाहर। बुद्धि, हम इनके बारे में पूछ रहे हैं, इन्हें दिक्कत क्या है? अरे कब से कटे पतंग की तरह लहराते घूम रहे, एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकता ये इंसान। वैसे नाम क्या बताए इनका? अरे नहीं, दीवान जी, दीवान जी कुछ तो ऐसे नाम है इनका। छीन लो, पहले तुमने हाथ लगाया, तुमने उठाया माँ, छीन लो। ठीक, हाथ हटाइए। आप हटाइए। ये फोन मेरा है, हमारी डेस्क पे बजा। लेकिन उठाया तो पहले हमने था ना। हम अगर सुना तो पहले हमने था ना। हम यहाँ के हेड कांस्टेबल हैं। तो हम भी यहाँ कीटनाशक दवाई छिड़कने नहीं आए हैं, हम भी यहाँ के हेड कांस्टेबल ही है। लेकिन FIR तो हम ही लिखेंगे। छोड़िए, हम कह रहे हैं ना छोड़िए। अरे बंद हो गया, फोन बजना कब का बंद हो गया? मैं आप लोग भी अखाड़ा जमा दिए यहीं पर। ओ हेलो सर, कहाँ? अरे ये मेरे जिम का बैग है, मैं रख कर गया था और अभी लेके जा रहा हूँ। तो पागल हो क्या, ऐसे बीच रास्ते में कोई बैग छोड़ता है? तुम्हारे चक्कर में देखो कितना बवंडर मच गया है यहाँ पे। क्यों रखा था बैग यहाँ, जिम नहीं जाना था क्या? आज जाना है ना, आज ही तो जिम ज्वाइन किया है मैंने। सुबह मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था, उसी के लिए तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया तो मैं ये बैग बाहर रख के चला गया, लेकिन अभी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा पैचअप हो गया है तो अपना बैग वापस लेने आया हूँ। बहुत बढ़िया, अब मैं बैग लेके जा सकता हूँ अपना? हाँ ब्रो प्लीज। अरे थैंक यू मैडम। हे बिग बॉस, व्हाट्स अप? कैसा है हीरो? आ रही हूँ लखनऊ शाम को तुझसे मिलने तेरे थाने। सोचा बता दू, नहीं तो बोलेगा हमेशा अचानक ही अटैक करती हूँ। ग्रेट, आई मीन वाओ, फैंटास्टिक। आप एक काम करिए ना, फ्लाइट डिटेल्स भेज दीजिए, मैं एयरपोर्ट आ जाऊंगा आपको लेने। ओके चल मिलते हैं, बाय। या बाय। सुनिए,
हम लिखेंगे एफआईआर। हम लिखेंगे एफआईआर रजिस्टर, बोला ना। छोड़ो छोड़ो कहानी हमने। अरे एक मिनट, अरे सरकारी कागजात है, फटफट आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? देखो देखो कैसे सांस फूल रही है। अरे ये रजिस्टर तो हम दो मिनट में ले लेते, वो तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। 2002 में हम एक स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुए थे, मिशन काला कबूतर। उसी मुठभेड़ में हमारे कंधे पर गोली लग गई थी, इसलिए हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। वरना एफआईआर तो हम कब की लिख चुके होते। निकल गई ये मिशन काला कबूतर, सुनते ही माँ के होश कोफ्ता क्यों हो गए? फाख्ता है? कोफ्ता का सब्जी होता है। हाँ हाँ फाख्ता फाख्ता। अब जी बताइए कंप्लेंट क्या है आपकी? कोई कंप्लेंट नहीं है, मैं यहाँ कंप्लेंट लिखवाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो जुलूस निकलवाने के लिए परमिशन लेने आया हूँ, मोहर लगवाने के लिए थाने में। तो अब तक कामू में दही जमा कर खड़े थे चाचा, हैं? आइए ना, देते हैं परमिशन। इधर आइए, इधर लाओ। तुम स्थिति में यहाँ क्यों हो? दे दे इनको दे। पता नहीं हाथ हमारा कब तक ठीक हो गई। पुष्पा जी, अचानक से आपका रौद्र रूप करके हवा कहाँ हो गया? जैसे ही मिशन काला कबूतर के बारे में बात की, आप एकदम बौखला गई। हाँ पंक्चर हो गई माँ, क्यों? काहे ने? जहाँ तक हमको याद है पुष्पा जी, वो मिशन में तो आप भी शामिल हुई थी। हाँ आप भी तो शामिल हुई थी। गई थी पुष्पा, जब गई थी काला कबूतर मिशन। चुप करो। वैसे और भी 25 थानों की पुलिस थी वहाँ पे, हमको तो आज पता चल रहा है कि ये वो है। कौन है? वो छोड़ो ना, वो छोड़ो। मगर हाँ, ये काला कबूतर के बारे में दोबारा जिक्र मत करना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसमें हम थे, और खास करके श्रीमान दीवान को तो बिल्कुल नहीं। अरे कहाँ है, लेकिन कहाँ है? चुप, कहे क्या कहे, कह देना एक बार, काला कबूतर के बारे में यहाँ इस थाने में बात नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, वरना बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। अच्छा, मतलब बॉम्ब के बैग का इतना सटीक और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, इम्प्रेसिव। चलिए, इससे ये तो पता चलता है कि आपके सीनियर अमर विद्रोही अकलमंद तो है। अकल? अरे बहुत तेज पैनी और शार्प नजर है उनकी, चीजों को देखने का नजरिया ही उनका अलग है एकदम ना। मतलब जितना हमारा उनसे बात हुआ है, हमें मैडम सर ये समझ में आ गया कि उनको किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट, कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट या किसी भी पोस्टमार्टम की मदद की जरूरत है ही नहीं। वो अपराध और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पे ही अपराध और अपराधी का खांचा खींच लेते हैं। बहुत तेज है अमर सर। एक ही इंसिडेंट में आपको ज्यादा इंप्रेस नहीं हो गई? मैडम सर अब एक बात बताइए, थोड़ा अलग सोच और काबिलियत से कौन प्रभावित नहीं होता है ना। मतलब खास लोग खास ध्यान खींच ही लेते हैं। काश कि ये खास लोग हमारे थाने के खास दुश्मन ना होते। बहरहाल करिश्मा सिंह जी, हमें हमारा थाना इन खास लोगों से वापस लेना है, ये बात आप भूलिएगा मत। नहीं मैडम सर, हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे ये बात। हम तो बस आपको आगाह कर रहे हैं कि इस बार हमारा पाला जो है किसी आम दुश्मन से नहीं पड़ा है। जो दुश्मन हमारे सोचने से पहले ये पता लगा ले कि हम क्या सोचने वाले हैं, उससे ज्यादा खतरनाक और क्या हो सकता है हमारे लिए। कोई भी पेचीदा केस आएगा ना मैडम सर, ऐसा हल कर लेंगे। सच बता रहे हैं, उसमें क्या हमारा अनुभव अभी थोड़ा कच्चा है। नहीं मतलब हम बात बता रहे हैं आपको मैडम सर, इस सच को झुटलाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि इस बार हमारा दुश्मन जो है हमसे बहुत ज्यादा काबिल है।